नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के 3 साल में भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नर्सिंग स्टूडेंट खुद को ठगा हुआ सा मान रही हैं। छतरपुर में नर्सिंग छात्र संगठन ने बैनर तले नर्सिंग छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन का चक्का जाम किया। नर्सिंग छात्रा प्रिया पटेल ने कहा कि हम लोग छतरपुर के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम को लेकर हमें कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। कभी इस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट मामला जाता है, लेकिन कहीं पर भी इस समस्या का समाधान नहीं होता है। हमारे 3 से 4 साल के कोर्स को 8 साल तक पहुंचा रहे हैं, हम कब तक पढ़ते रहेंगे? हमारे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, वो फीस देने में असमर्थ हैं। हम लोग यही छतरपुर में पढ़ रहे हैं और 3 साल से ना तो हमारे रेगुलर एग्जाम करवाए जा रहे हैं, ना तो हमें मतलब कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। कभी यहाँ मतलब मामला जा रहा है, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, तो हम लोग कब तक यहाँ पढ़ते रहेंगे? हमारा 3-4 साल का कोर्स 8 साल हो चुके हैं, 8 साल में बढ़ाए दे रहे हैं उस कोर्स को, तो कब तक हम ऐसे रहेंगे? हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं बच्चों घर आओ, अब हम फीस नहीं दे सकते, नहीं पढ़ा सकते, तो हम अपने आप से तो कमा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो अभी कोई साधन नहीं है। जब तक हम कमाएंगे नहीं, हमारी फीस कौन भरेगा? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? नर्सिंग छात्र संगठन से हैं हम लोग सब लोग, और सब परेशान है। हम नर्सिंग छात्र संगठन से, हर कॉलेज के बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है, पूरे MP परेशान है, यहाँ एक नहीं पूरा MP परेशान है। तो हम यही कहते हैं आप लोगों से, इस न्यूज को फैलाइए और हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए, बस हम कुछ नहीं चाहते, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे एग्जाम करवाइए बस। वही तहसीलदार रंजना यादव ने कहा कि ये सब बच्चे नर्सिंग कॉलेजों के छात्र हैं, 3 साल से इनके एग्जाम नहीं हुए हैं, हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, CBI को कॉलेजों की मान्यता को लेकर जांच सौंपी गई है, बच्चों के ज्ञापन को हमने शासन को भेज दिया है, बच्चों को समझाकर यहां से जाम हटाया गया है। बच्चे हैं नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनका कहना ये है कि हम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और 3 साल हो गए हमारा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाए, और ये जो हम यदि एक एक वर्ष में हमें 3 साल तक वेट करना पड़ेगा तो हमारे फीस पैसा यहाँ रुकने का खर्च और समस्त अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर बच्चे इकट्ठे हैं और जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इनके सारे कॉलेज उसमें संलग्न हैं। चूँकि माननीय हाईकोर्ट में इनका एक केस जाँच मर है उनकी मान्यता को लेकर के, उस CBI को जाँच सौंपी गई है। जैसा कि बच्चों के द्वारा बताया गया 150 कॉलेजेस की जाँच हो चुकी है और 150 कॉलेजेस की जाँच बाकी है, अतः इसमें बीच में ये बच्चों का नुकसान हो रहा है, निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है, परंतु इसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश के उपरांत ही कुछ डिसीजन लिया जाना संभव होगा। बच्चों ने परसों मुझे ज्ञापन दिया था जिसे हमने थ्रू प्रॉपर चैनल माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है, और शासन स्तर पर इसमें क्या निर्णय होता है और माननीय न्यायपालिका के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है उसके पश्चात ही बच्चों के भविष्य के संबंध में कोई निर्णय किया जा सकेगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।